हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये हमारा एंशेंट इंडिया का 25वां लेक्चर होगा, और इसके पहले 24 लेक्चर कंप्लीट की जा चुकी हैं। तो अब हमारा जो एंशेंट इंडिया है ये कंप्लीट होने के कगार पे ही है। तो ये लगभग आप मानिए कि 30 क्लास होते होते ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो कृपया आप लोग इसको सीक्वेंस से देखते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि जैसे कि सीमावर्ती राजवंश के बारे में देख लिया है, उसके पहले हमने देखा था कि दक्षिण भारत के जो भी इतिहास थे उसके बारे में करीब 4-5 लेक्चर हुए हैं दक्षिण भारत के इतिहास में, वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। संगम काल के बाद भी बहुत सारे आते हैं, तो वो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज जो प्लेलिस्ट चल रही है उसका लिंक डला होता है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं और जाके सीधे वहाँ से वीडियो को सीक्वेंस में देखते आ सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और सीक्वेंस से देखने में होता है कि एक बार में कोई भी टॉपिक जो चाहे कोई भी सब्जेक्ट होता है तो वो एक बार में अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपको कहीं भी देखने की या फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। और जैसा कि है तो नोट्स बनते जा रहा है, तो नोट्स में भी आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, नोट्स भी आपका पूरी तरह से तैयार हो जा रहा है। तो अब हम इसमें देखेंगे दक्षिण भारत और उत्तर भारत हो ही गया हमारा कंप्लीट। तो अब हम मेनली इसमें देखेंगे 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का इतिहास, और इसमें हमें देखना है राजपूत काल के बारे में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो काल चलेगा ये पूरी तरह से राजपूतों का काल है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं है कि राजपूत कहाँ से आए, नाम वगैरह की पता नहीं है, पहले क्षत्रिय नाम से पुकारा जाता था। तो कुछ इतिहासकार हैं उसमें जो अपना अपना मत दिए हैं कि आखिर में राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो कुछ इतिहासकार उसमें ये भी हैं जो बताएंगे कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है, जो पहले क्षत्रिय थे, जो 4 वर्ण बना था बाद में आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे। तो वही जो दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय थे, उन्हीं को माना जाता है कि बाद में राजपूत हो गए। तो ये भी एक मत है, वो भी हम देखेंगे, और फिर हम एक एक वंश के बारे में इसमें देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश बहुत ही बड़ा रहता है। उसके बाद हम देखेंगे गहरवार जो राठौर वंश रहता है उसको भी देखेंगे, फिर मतलब राजपूत जो साम्राज्य चलेंगे उसके बारे में हमें देखना है, और चौहान वंश या फिर जो से चौहान वंश बोला जाता है और इसी में पृथ्वीराज चौहान थे, तो ये भी हम देखेंगे, और परमार वंश भी हम देखेंगे, मतलब जितने भी राजपूत काल में वंश हैं, चंदेल वंश, हर एक वंश को मैं इसमें बताऊंगा। तो करीब 2 से 3 लेक्चर इसमें हो सकते हैं, क्योंकि सोलंकी बस बहुत सारे वंश इसमें आएंगे, तो वो मैं आपको कंप्लीट करना चाहता हूँ। और बाद में जो हमारा लास्ट सेशन होगा तो इसमें हम देख लेंगे प्राचीन भारत में, मतलब ओवरऑल चीज़ें देखेंगे कि राजनीति व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और प्राचीन काल में शिक्षा वगैरह कैसी थी, तो वो भी हम इसमें देख लेंगे। तो मतलब पूरी तरह से ये ओवरऑल होगा कि कैसी व्यवस्था थी प्राचीन काल में। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि राजपूत काल के या फिर राजपूत जो वंश हैं उसके उत्पत्ति के बारे में हम देखेंगे। तो अब ये है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो 8वीं सदी से ये 12वीं सदी तक राज्य करते हैं। तो 8वीं सदी मतलब कि 700 ईस्वी जब स्टार्ट होता है, उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह से 1100 तक चलते हैं ये, और बाद में जाके दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, फिर राजपूत काल वहाँ से समाप्त माना जाता है, मतलब कि समाप्त नहीं, और फिर राजपूत अपने अपने क्षेत्र में राज करते रहेंगे हमेशा। तो ये होता है। तो अब पहले तो राजपूत शब्द कहीं देखने को मिलता नहीं है, तो हमें ये 7 जो 8वीं सदी है तो वहीं पे देखने को मिलता है राजपूत शब्द की। तो अब इसमें इतिहासकारों में बहुत सारा मतभेद है, जैसे आप आर्यों का देखे होंगे, तो आर्यों का जब हम पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि बहुत सारे इतिहासकार, कोई बोला था कि आर्टिक वाले क्षेत्र से आए थे, कोई उसमें बोला था मध्य एशिया से आए थे, कोई आप देखेंगे तो बोला था कि चीन वाले इलाके से आए थे, ऊपरी इलाकों से। तो उसमें इतिहासकार जो होते हैं बहुत सारे मत दिए हैं। तो अब इसमें भी बहुत सारा मत दिया गया है कि राजपूत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब कि पहले पहले राजपूत कहाँ से आए, तो हमें पता नहीं है। तो यही हमें देखना है, क्योंकि बहुत सारे वंश में आप देख रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि कहाँ से आए थे, लेकिन राजपूत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है ये पता नहीं है। इसलिए अब जो इतिहासकार होंगे तो इतिहासकार बहुत सारे मत देंगे, बहुत सारी उसमें कहानियाँ होगी जो हम देखेंगे और उसमें कुछ एनालिसिस भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे इतिहासकार ये भी बोल रहे हैं कि जो राजपूत शब्द है ये बहुत प्राचीन है, मतलब बहुत पहले से ही राजपूत हैं, और बहुत सारे इतिहासकार अभी बोलते हैं कि जो ये 8वीं सदी आया है तब से शुरुआत इनकी मानी जाती है। तो अब हम थोड़ा एविडेंस वगैरह देखेंगे। तो एविडेंस में देखेंगे कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो ये सब वेद हैं। तो इससे हमें अपने हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पता चलती है, और बहुत सारे इतिहास का हमें इससे पता चलता है, जितने कर्मकांड वगैरह है हर एक चीज़ों का हमें इससे पता चलता है, जितने भी वेद हैं। लेकिन इन सब वेदों में आप देखेंगे कि क्षत्रिय शब्द का तो प्रयोग किया है, लेकिन राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो क्षत्रिय जो मैंने आपको बताया, तो ये सब तो आपको देखने को मिलते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे, तो इनमें दूसरा जो था ये क्षत्रिय था इम्पोर्टेंट में, तो यही शब्द तो उल्लेख है इसमें, लेकिन आप देखेंगे कि राजपूत शब्द का उल्लेख कहीं भी वेद वगैरह में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता। और आप ये भी देखेंगे कि जो मौर्य काल है, चाहे शुंग काल, जो भी मतलब काल है, मौर्य काल,
मौर्य उत्तरकाल, उस टाइम में भी आपको कहीं भी राजपूत शब्द को सुनने को नहीं मिलेगा, चाहे आप गुप्ता टाइम में भी देखेंगे तो उस टाइम भी हमें जो रहता है वो राजपूत शब्द को, चाहे किसी भी अभिलेख, चाहे किसी भी बुक में, इन सब में हमें राजपूत शब्दों की उत्पत्ति नहीं मिलती है, चाहे राजपूत शब्द के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो इस वजह से ये माना जाता है कि 8वीं सदी में जब से हमें इनके इतिहास के बारे में पता चलता है तभी से इनके शब्द मतलब जो राजपूत शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, मतलब कि राजपूत की उत्पत्ति के बारे में मानी जाती है। तो जो मैंने आपको पुष्यभूति वंश बताया था, उसके बाद जब आप देखेंगे गुप्तकाल समाप्त हुआ था उसके बाद पुष्यभूति वंश मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत आया था, जिसमें हर्षवर्धन का शासनकाल था, हर्षवर्धन काफ़ी योग्य शासक था। तो उसके काल के बाद से जब हर्षवर्धन का भी काल समाप्त हो गया तब से आप देखेंगे कि राजपूत शब्द के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अब जो है तो हमें कैसे पता चलती है राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में, तो इसके लिए तीन चीज़ों से मेनली हम पता कर सकते हैं, या तो एक अभिलेख होता है तो जैसा मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया था, दूसरा होता है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा होता है धार्मिक ग्रंथ। तो इन सब से हमें इतिहास के बारे में राजपूतों के पता करनी पड़ेगी। तो वही हम देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे अभिलेखों में हमें क्या मिलता है, फिर देखेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथों में कहाँ पे राजपूतों के बारे में क्या कहा गया, फिर हम देखेंगे कि धार्मिक ग्रंथों में जो होते हैं उनमें कहाँ कहाँ राजपूतों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं अभिलेखों के बारे में कि अभिलेखों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो अभिलेख में लिखा होगा जो चीज़ें राजपूत से रिलेटेड हैं। तो पहले आप देखेंगे ग्वालियर और जो ऐहोल अभिलेख है, तो इससे हमें राजपूतों के बारे में पता चलती है, थोड़ा बहुत इसमें राजपूतों के बारे में जानकारी मिलती है ग्वालियर और ऐहोल अभिलेख से। तो इसमें राजपूत राजाओं के बारे में थोड़ा सा पता चलता है हमें। और जो राजौर अभिलेख है ये राजस्थान का अभिलेख है, तो इसमें भी हमें जो राजा मथन देव है इनके बारे में कुछ बताया गया है, लेकिन उत्पत्ति आदि के बारे में हमें इससे भी जानकारी उतनी अच्छे से नहीं चलती है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं राजपूत की उत्पत्ति के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब कि जो बुकें होती हैं इतिहास की, उससे हमें क्या जानकारी चलती है पता, ये हम इसमें देखेंगे। तो पहला इसमें आप देखेंगे जो राज तरंगनी है, तो ये कल्हण द्वारा लिखी गई है, ये मैंने आपको कितनी बार बताया। और इसी में दूसरा आप देखेंगे कुमारपाल जो चरित्र है, इसमें कुल 36 राजपूतों का वर्णन मिलता है। तो ये राज तरंगनी और जो कुमारपाल चरित्र का ग्रंथ है, इससे हमें 36 राजपूतों का वर्णन मिलता है इस जो ग्रंथ है दोनों में। तो इन ग्रंथों में लेकिन अलग अलग नाम लिखे गए हैं, किसी में राजपूत जो 36 का वर्णन किया गया, तो किसी में कोई नाम, किसी में कोई नाम, लेकिन ये मैच नहीं करते हैं दोनों में। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई। और हमीर महाकाव्य है एक नायन सूरी जो लिखे हैं, इससे भी हमें राजपूतों के बारे में पता चलती है। तो ये जो है तीन आप देखेंगे, तो ये तीनों ये अग्निकुंड के बारे में बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है ये अग्निकुंड से हुई है। तो नौ सहनसांग चरित्र और पृथ्वीराज रासो, ये तीनों बोलते हैं मतलब कि ये जो तीनों ग्रंथ है चाहे इसके लेखक हैं, तो ये बोलते हैं कि इनकी रचना अग्निकुंड से हुई है। हमीर महाकाव्य, नौ सहनसांग चरित्र और पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो जिसने लिखा है तो वो चंद्र वरदाई द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये तीन ग्रंथ है और तीनों ग्रंथ में मतलब बोला गया कि राजपूत की उत्पत्ति हुई है ये अग्नि से हुआ है इनका उत्पत्ति, ये इसमें बोला गया। और तीसरा हम देख लेते हैं कि धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ आप जैसे कि रामायण महाभारत ये सब चीज़ें, तो ये धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इसके बारे में क्या चीज़ें पता चलती है हम ये देख लेते हैं धार्मिक ग्रंथों से। तो जो ये भविष्य पुराण है, भागवत पुराण है, तो इन सब में हमें भविष्य पुराण, भागवत पुराण है, तो इसमें जब लिखा गया है तो इसमें ये लिखा गया है कि बहुत सारे जब देखेंगे कि दैत्यों का आतंक वगैरह बढ़ गया था, मतलब दैत्य बहुत परेशान कर रहे थे, तो इनमें ये मिलता है। तो फिर महर्षि जो गौतम रहते हैं वो एक यज्ञ कराते हैं, इन जो दैत्य वगैरह बढ़ गए होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा पाप वगैरह आ गया रहता है, तो ये एक यज्ञ कराते हैं महर्षि जो वरिष्ठ रहते हैं। उसके बाद फिर माना जाता है कि यज्ञ कराते हैं, तो इसी यज्ञ से फिर जो होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति होती है, तो दैत्यों के विनाश के लिए। यही कहानी पृथ्वीराज रासो में भी लिखी गई है, जो ये पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। और इसमें माना जाता है कि चौहान, परमार, चालुक्य, प्रतिहार इन वंशों की उत्पत्ति होती है राजपूत वंशों की। अब दैत्य मतलब समझ सकते हैं आप, दैत्य मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब दुष्ट लोग होंगे, तो फिर इनकी उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि दैत्य किसके लिए उपयोग किया गया है। तो दैत्य मतलब कि पाप बढ़ा होगा, तो फिर राजपूतों की यहाँ पे उत्पत्ति हुई होगी। तो इसमें महर्षि वशिष्ठ रहते हैं, गौतम रहते हैं और अगस्त्य रहते हैं, ये तीन ऋषि रहते हैं, और तीनों ऋषि द्वारा फिर ये आबू पर्वत रहता है उसी पे विशाल एक यज्ञ कराते हैं, और फिर यही यज्ञ से माना जाता है कि इन राजपूतों की उत्पत्ति होती है। और ये सब जो मत है और ये जो धार्मिक ग्रंथ वाले मत है, तो बहुत सारे इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बिलीवेबल बात नहीं लगता है कि किसी को अग्निकुंड से मतलब कि उनकी उत्पत्ति हुई होगी राजपूतों के। शब्द की उत्पत्ति हो सकती है, मान लीजिए कि जैसे वहाँ पे अग्निकुंड का रखे इनका नाम वगैरह रखा गया होगा, जो कि पहले के राजा या फिर जो पहले के लोग होंगे उनमें से यज्ञ करा के उसमें जो बहुत अच्छे होंगे
बहुत मतलब कि लड़ाई वगैरह में तेज तराकम उनका नाम रखा होगा, ऐसा हो सकता है उस। तो ये कुछ हमें अभिलेख, ऐतिहासिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ से पता चलता है। लेकिन जो इतिहास लिखते हैं, जैसे कि इतिहासकार होते हैं, तो उन्होंने भी अपना बहुत सारा मत दिया है। तो वो हम देखेंगे कि इतिहासकार आखिर में क्या बोलते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। और इसमें आप देखेंगे कि मतलब मैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं और जो इम्पोर्टेंट थ्योरी दिया गया है उसके बारे में बताऊंगा, तो बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं देखेंगे। तो इतिहासकार जो होते हैं वो अपनी बातें मतलब कि या फेमस होने के लिए अलग अलग बातें कहते हैं, आप मान सकते हैं उसमें। क्योंकि जो एक इतिहासकार आएगा, फिर अगर दूसरा इतिहासकार अगर सेम बात को बोलता है तो फिर उसको ज़्यादा तवज्जुब नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो अलग बोलता है बातों को, कि उसको भी मतलब तवज्जुब दिया जाए, या फिर ये इतिहासकार है तो इनका कहना ये है। मतलब उसका फेमस होने के लिए भी इतिहासकार बहुत चीज़ें बोल देते हैं उसमें, क्योंकि एक जैसा आप बोलिएगा तो फिर आपको कोई पढ़ेगा नहीं। तो इसमें बहुत सारे मत है, वो हम देखेंगे, और सबसे जो सर्वमान्य मत है वो भी हम इसमें देख लेंगे, और मैं भी बताऊंगा आखिर में कौन सा सही हो सकता है। तो इसमें हमें यही मेनली देखना है। कुछ इतिहासकार जो होंगे वो तो देखेंगे कि राजपूतों को देसी ही मानेंगे, मतलब कि ये शुरू से ही यहीं के थे, लेकिन कुछ जो विदेशी इतिहासकार हैं तो वो अब उसको विदेशी ही बताएंगे, अपने इलाकों का बताना चाहेंगे, क्योंकि राजपूत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे और बहुत ही महान योद्धा में से एक थे। मतलब दुनिया में कोई भी राजपूतों को हराने वाला नहीं था, सबसे योद्धा होते थे वो लोग, मरने से डरते नहीं थे। और देखेंगे कि उतनी आगे की नैतिकता कोई सोच ही नहीं सकता है, कि अगर कोई अगर सर झुका दे तो फिर उससे युद्ध नहीं करना, माफ़ कर देना, ये सब चीज़ें थी। लेकिन मुस्लिमों में आप ये सब नहीं देखेंगे। जब मुस्लिम आक्रमण होता है और राजपूत हार जाते हैं, तो उसमें बहुत सारा कारण है, जो कि आपको मैं मीडिएवल हिस्ट्री में पढ़ा ही रहा हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आखिर में राजपूतों का डिक्लाइन क्यों हो गया, तो उसमें कारण आपको बताएगा। तो इनके बहुत ज़्यादा नैतिकता के कारण ही उसका मुस्लिम जो रहते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। जब हारने लगते हैं तो फिर इनके पैर पे पड़ के या फिर सर झुका के चले जाते हैं, लेकिन जीतने लगते हैं तो फिर वो कुछ भी नहीं सोचते हैं। लोगों का कत्लेआम कराना, महिलाओं बच्चों का शोषण करना, ये सब चीज़ें वो करते थे, लेकिन राजपूतों में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो अब हम देख लेते हैं उत्पत्ति के बारे में। तो पहला जो आप देखेंगे इतिहासकार, तो ये कर्नल टॉड थे। तो इनका जो मत है, तो आप देखेंगे कि राजपूत जो है ये कुषाणों, शकुनों, इनके संतान है। तो कुषाण, शकुन, ये सब के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। तो अब ये बोलते हैं कि ये इन्हीं के संतान थे, तो ये भी विदेशी आए थे। शक, कुषाण, ये सब मैंने आपको बताया था, जबकि मौर्योत्तर काल के बाद हमने देखा था विदेशी जो आक्रमण होते हैं मौर्य काल के बाद। तो ये बताते हैं कि ये लोग उन्हीं के संतान थे, क्योंकि राजपूत जो हैं तो मांस वगैरह का सेवन करते थे, लेकिन अब धार्मिक ग्रंथ में आप देखेंगे, जब वेद वगैरह में, तो उसमें ये लोग मांस वगैरह नहीं खाते थे, क्योंकि उस टाइम देखेंगे कि शासक जो होते थे वो मांस वगैरह ऐसा बोला जाता है कि नहीं खाते थे, और सनातन धर्म के ये सब विरुद्ध था। तो ये खाते थे मांस वगैरह, तो इस वजह से माना जाता था, क्योंकि कुषाण वगैरह भी जो शक वगैरह थे, तो ये लोग भी मांस वगैरह का सेवन करते थे। तो ये ऐसा मत दे, और ये हैं तो विदेशी हैं, तो इनको अब विदेशी हैं तो ये विदेशी क्या ही सपोर्ट करेंगे कि कुषाण वगैरह ही थे, क्योंकि अब राजपूत उत्तम थे, तो उत्तम लोगों के पीछे सभी चाहते हैं कि हम जुड़े। तो इससे ये लोग भी जुड़ना चाहेंगे जो विदेशी इतिहासकार हैं, कि ये लोग हमारे खून या फिर वंशज इस टाइप के ये लोग सिद्ध करने का यहाँ पे चाहें, चाहे विदेशी हैं तो विदेशियों को चाहेंगे कि वो यहाँ पे सिद्ध हो सके। और दूसरे आप देखेंगे विलियम ब्रूक हैं, और इनके द्वारा है कि गुर्जरों से हुई, और जो गुर्जर थे तो ये कुषाणों की एक शाखा थी। तो इनका मतलब कहना है कि जो कुषाण की एक शाखा थी उसी से इनका उत्पत्ति हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कसाना एक गोत्र है ये आज भी गुर्जरों में पाया जाता है। तो इस वजह से ये बोलते हैं कि यहाँ पे कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है विलियम ब्रूक है ये कुषाणों से ही मेनली हुई है, और कुषाण के एक जो शाखा थी यहाँ पे गुर्जरों उनसे हुई है। तो अगले हम देख लेते हैं, जो अगले इतिहासकार हैं ये डॉक्टर स्मिथ हैं। तो ये भी बोलते हैं कि ये विदेशी हैं, क्योंकि इनके रहन सहन के वजह से ये बताते हैं कि इनका जो रहन सहन है तो ये अलग टाइप का है, विदेशियों जैसा है, जो हून वगैरह थे उस टाइप का रहन सहन है, इस वजह से ये बताते हैं कि ये विदेशी थे। तो अधिकतर लोग इसमें विदेशी ही बताते हैं इनको, राजपूतों को। इसमें ये भी रीजन देते हैं कि इन्होंने जो रहन सहन चाहे जो भी चीज़ें हैं भारतीय जैसा वैसे ही इन्होंने अपना लिया था जो हुन थे, इसी वजह से हुनों को भी माना जाता है कि ये भी राजपूत बाद में चल के हो जाते हैं, मतलब हुन ही राजपूत थे, ये डॉक्टर स्मिथ द्वारा बताया जाता है। और फिर अगले जो हैं ये दो हैं, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है और भंडारकर है। तो ये भी जो हैं, तो ये देख रहे हैं आप, ये भी कह रहे हैं कि ये भी भारतीय नहीं थे, क्योंकि ये ब्राह्मण जैसे नहीं है, तो ब्राह्मण जैसे जो कि स्ट्रक्चर है शरीर का वैसा नहीं है, फिर ब्राह्मण देखते हैं कि मांस वगैरह नहीं खाते हैं और ये लोग मांस वगैरह खाते थे, तो ये सब कुछ ये तर्क देते हैं डॉक्टर ईश्वरी और जो भंडारकर
कर रहे थे, मतलब कि शारीरिक जो स्ट्रक्चर वगैरह है तो वो सेम नहीं है इनका। तो ये देखेंगे कि जो इनका स्ट्रक्चर है राजपूतों का, तो ये मतलब काफी स्ट्रक्चर गठीला वगैरह, क्योंकि युद्ध वगैरह ये लोग करते थे तो इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर है। ब्राह्मणों का इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं रहता है, ब्राह्मण जो थे वो मांस वगैरह नहीं खाते थे, राजपूत जो थे ये मांस वगैरह खाते थे, ऐसा इनका कहना है। इस वजह से ये लोग बोलते हैं कि ये लोग ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि ये जो ब्राह्मण ही थे वो बाद में चल के राजपूत कहलाते हैं, तो ऐसा माना जाता है। तो इसका ये लोग खंडन करके बोलते हैं कि नहीं, ये भी विदेशी ही थे। जो डॉक्टर ईश्वरी है और भंडारकर ये बोलते हैं कि ये लोग विदेशी ही थे। और अगले जो हैं आप देख सकते हैं इसमें कि डॉक्टर दशरथ हैं और गौरी शंकर हैं, इनके द्वारा बोला जाता है कि ये कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है ये कोई अग्नि या फिर यज्ञ वगैरह से नहीं हुई है। इनका कहना ये है, जो कि डॉक्टर दशरथ हैं और जो गौरी शंकर हैं तो ये भारतीय हैं, तो ये भारतीय मतलब जैसा ही बताएंगे, तो ये बोलते हैं कि कोई भी अग्नि या फिर यज्ञ वगैरह से इनकी उत्पत्ति नहीं है, ये जो हैं ये राजपूत ये क्षत्रिय के ही संतान हैं। तो जैसा कि आपने वर्ण व्यवस्था में देखा था, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बनती है, तो उससे ये मानते हैं कि जो क्षत्रिय थे दूसरे नंबर वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और छूत, तो दूसरे नंबर जो क्षत्रिय थे उन्हीं के संतान बोला जाता है कि ये राजपूत थे। और ये सबसे सर्वमान्य भी मत माना जाता है कि राजपूत जो थे ये क्षत्रिय के ही आगे चल के संतान थे। तो ये सब था, तो अब इस पे सवाल भी उठता है। तो मतलब अब बहुत सारे जो देख रहे हैं कि लोग बहुत तरह के बता रहे हैं, इसमें मत दे रहे हैं, तो अब इसमें आखिर में उठता है कि सवाल जो क्षत्रिय थे तो वो कहाँ थे, ये सवाल उठता है कि जो क्षत्रिय संतान थी चाहे जो क्षत्रिय थे वो कहाँ चले गए। इसी वजह से माना जाता है, ये सबसे मान्य तथ्य माना जाता है, ये सवाल है कि आखिर में क्षत्रिय गए तो कहाँ गए। तो इसी वजह से ये माना जाता है कि ये क्षत्रिय के ही संतान थे जो राजपूत थे, बाद जो पहले के क्षत्रिय थे वो बाद में राजपूत कहलाने लगे, ऐसा माना जाता है। और ये सबसे मान्य तिथि भी है, और तो मेरे ख्याल से ये सबसे मान्य भी है। और आप देखेंगे गोपीनाथ भंडारकर जो है ये बोलते हैं कि ये ब्राह्मणों से ही उत्पत्ति हुई है इनकी। तो गोपीनाथ और भंडारकर से आप समझ सकते हैं, इनके द्वारा कहा जाता है कि जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण से ही हुई है, बाद में ब्राह्मण जो थे ये क्षत्रिय कहलाने लगे कुछ ब्राह्मण जो थे। तो ये कुछ मत थे इसमें यहाँ पे। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इतने इतिहासकार हैं ये इतने बोलते हैं, लेकिन इतने मत में से कोई मान्य नहीं है, सबके ऊपर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि राजपूतों के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल है। तो ये बिल्कुल मतलब कि जो इतिहासकार होते हैं, तो मैंने पहले भी बताया अपना नाम वगैरह करने के लिए अलग अलग मत देते हैं, क्योंकि अलग अलग मत आप नहीं दीजिएगा तो आपको कोई जानेगा नहीं, अगर एक जैसा सबका मत होगा तो फिर वो कोई क्यों पढ़ेगा। तो इस वजह से अलग अलग मत देते हैं भारतीय। तो जो राजपूत थे ये यहीं के माना जाता है, उत्पत्ति कहीं से ये आके नहीं बसे थे, ये माना जाता है कि जो क्षत्रिय थे वही राजपूत जाके बाद में हो जाते। कोई साक्ष्य वगैरह भी मिला नहीं है साक्ष्य की कहाँ से ये उत्पत्ति हुई है, तो अब साक्ष्य नहीं मिला है, इस वजह से इतने सारे इसमें मत दे दिए गए हैं, लेकिन इसमें से कोई भी मत मानने लायक नहीं है, क्योंकि जो इतिहासकार होते हैं वो अपने अनुसार मत देते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि प्रमाण जब तक नहीं मिलता है उसको नहीं मान सकते आप इतिहास सिद्ध हो गया, वो प्रमाण कहीं मिला ही नहीं। तो ये सब है इतने सारे जो बात कही गई है, तो आप मान सकते हैं इसमें। और एग्जाम है तो एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि राजपूत किसके थे, तो ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि राजपूत के ओरिजिन का सिद्धांत, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, इसमें एक चीज आप नहीं बता सकते। और अपने मत का कोई वैल्यू नहीं होता एग्जाम में, कि आपका मन क्या कहता है, मन से कुछ भी नहीं होता है, जो इतिहासकार बोले हैं वो लिखना पड़ेगा आपको, चाहे इतिहासकार जैसे भी लिखा है, तो आपके यहाँ पे ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जैसे कि आंसर भी लिखा जाता है, तो अगर आप कोई सुझाव भी देते हैं तो किसी कमेटी का नाम लेके सुझाव देते हैं तब वो अच्छा माना जाता है, अपने अनुसार सुझाव देते हैं तो उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना कि कोई अगर कमेटी वगैरह चाहे किसी रिपोर्ट का लेके सहारा अगर सुझाव देते हैं तो वो सबसे मान्य मानी जाती है, क्योंकि वो रिसर्च वगैरह करके किए हैं। तो अब जो ये इतिहासकार होंगे तो कुछ तो रिसर्च वगैरह किए होंगे तभी जाके फिर ये सब इतने मत दिए हैं, ऐसा नहीं है कि रिसर्च वगैरह चाहे कुछ खून भी नहीं किया हो, तो इस वजह से अपना प्रमाण नहीं लिखा जा सकता। अब राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि आपके अनुसार क्या है, ये आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी, कौन कौन क्या बोला है, कौन सा सिद्धांत है, अभिलेख, ऐतिहासिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ये सब चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। तो ये हमने सिद्धांत देख लिया, अब जो है इसमें बहुत सारे राजवंश हैं तो वो हम इसमें देखेंगे। तो अब एक एक हम इसमें राजवंश के बारे में देख लेंगे इसमें। तो पहला हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, क्योंकि सबसे पहले यही था और सबसे विशाल साम्राज्य इन्होंने अपना स्थापित किया था गुर्जर प्रतिहारों ने, तो ये हम देखेंगे इसमें, आपको पता चलेगा इनका शासनकाल कहाँ पे था। और थोड़ा सा इससे पहले हम मैप भी देख लेते हैं कि कौन से राजपूत कहाँ पे थे, और उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ये है आपका मैप किंगडम के बारे में, तो ये आप जितना भी देखेंगे ये पूरी तरह से ये राजपूतों का शासनकाल था। तो ये आप चालुक्य को देख सकते हैं, यहाँ पे चंडेला को देख सकते हैं, यहाँ पे प्रतिहारों को देख सकते हैं, यहाँ पे जो था ये गढ़वाल को देख सकते हैं, यहाँ पे चौहान थे जिसके पृथ्वीराज चौहान आप सुनेंगे, यहाँ पे परमार थे, यहाँ पे सोलंकी। लेकिन इतने जो आप देख रहे हैं तो ये सब माना जाता है कि ये सब जो थे पहले एक ही में थे, और ये जो थे पूरा तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश थे, और बाद में ये
उठ के फिर राजपूत इतने छोटे छोटे किंगडम में बढ़ जाते हैं। और ये पूरी तरह से शासन यहाँ पे आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों का था, मतलब कि सबसे बड़ा जो किंगडम था शुरू में राजपूतों का ये था गुर्जर प्रतिहारों का। और बाद में फिर गुर्जर प्रतिहारों का जो था वो धीरे धीरे जैसे कि आप गुप्ता का देखेंगे डिक्लाइन हो जाता है तो बहुत सारे वहाँ पे शासक आते हैं, जैसे कि मौर्य भी डिक्लाइन हो जाते हैं तो बहुत सारे शासक आते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो गुर्जर प्रतिहार था वो डिक्लाइन होता है तो ये चौहान, परमार, सोलंकी, तोमर वगैरह ये लोग आते हैं राजपूत राजवंश छोटे छोटे। तो ये कुछ है, तो पहले हम गुर्जर प्रतिहारों के बारे में देख लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो छोटे छोटे किंगडम में ये बढ़ जाते थे तो उनको भी हम इसमें देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, ये है। और ये अलवर अभिलेख से पता चलता है इनके बारे में कि गुर्जरों की एक शाखा थी इसलिए इसको गुर्जर प्रतिहार वंश बोला जाता है। और इनका जो मूल निवास है तो ये राजस्थान के और गुजरात वाले इलाकों को मिला के बताया गया है। और इनको सूर्यवंशीय क्षत्रिय बताया जाता है, तो क्षत्रिय बहुत सारे हैं उसमें हम देखेंगे। और इसकी जो स्थापना है तो ये देखेंगे कि नागभट प्रथम द्वारा की जाती है। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी तो ये उज्जैन में थी, बाद में कन्नौज भी जाती है, और ये नागभट द्वारा बाद में कन्नौज में स्थापित की जाती है इनकी राजधानी को जो गुर्जर प्रतिहार है। नागभट प्रथम जो था तो इसका शासनकाल लगभग माना जाता है कि 730 से 756 के करीब में चलता है नागभट प्रथम का जो शासनकाल रहे। और ये जो नागभट है तो इनको राष्ट्रकूट राजा जो दंती दुर्ग रहते हैं राष्ट्रकूट शासक जो दंती दुर्ग रहता है ये पराजित किया रहता है नागभट प्रथम को, प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार का ये शासक है। और जो नागभट प्रथम रहते हैं इनके समय में जो अरब आक्रमण होता है ये सफल नहीं होता है, और ये हमें पता चलता है ग्वालियर अभिलेख के साथ। तो जो अरब आक्रमण हुए थे तो वो शुरू हो ही चुका था, अरब आक्रमण बार बार अरबी आक्रमण कर रहे थे, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है तो वो मिडिएवल हिस्ट्री में आपको बताया जा रहा है, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था। तो ये जो नागभट प्रथम थे तो इनके समय में अरब आक्रमण होता है लेकिन वो लोग सफल होते नहीं है और फिर उनको भागना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि जो सीमा पे ही आप देख रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान वाले इलाकों में इनका शासनकाल था, तो इस वजह से उधर से आक्रमण होता था तो उनको पहले इन्हीं से टकराना पड़ता था और ये लोग वहाँ से भाग जाते थे जो अरब थे। तो अब देखेंगे आपकी बाद में जो अरब आक्रमण सफल होता है क्यों होता है, कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश रहते हैं तो ये पूरा आप देखेंगे कि उस इलाकों पे जो भारत का इलाका है, तो यहाँ पे आप मैप में देखिए मतलब कि ये पूरे पे इनका शासन कर रहता है। और जब तक राजपूत एक में रहते हैं तब तक अरब का हिम्मत नहीं होता है कि वो लोग यहाँ पे आ सके, क्योंकि वो लोग तो कबीलियाई टाइप में रहते थे, छोटे छोटे सेना लेके फिर आके लड़ते थे। लेकिन जब यही गुर्जर प्रतिहार वंश टूटेगा और छोटे छोटे राजवंश में राजपूत बढ़ जाएंगे तब देखेंगे कि धीरे धीरे अरब जो रहते हैं वो सफल होते हैं, और अरब सफल होते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि तुर्क भी सफल होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे इलाकों में देखेंगे चौहान, यहाँ पे गढ़वाल, प्रतिहार, यहाँ पे सोलंकी, यहाँ पे परमार, बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश में ये बढ़ जाते हैं राजपूत, तब जाके फिर अरब सफल हो पाते हैं। लेकिन जब तक गुर्जर प्रतिहार रहते हैं यहाँ पे वो लोग उतने सफल हो नहीं पाते। फिर नागभट के आप बात देखेंगे कि कुकक और देवराज मतलब शासक आते हैं, लेकिन कोई भी मतलब अच्छा शासक नहीं आता है, लेकिन अच्छे शासक को ही हम देखेंगे, मतलब कि जो फेमस शासक थे उन्हीं के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता। फिर आप देखेंगे कि वत्सराज का शासन कहलाता है, वत्सराज भी उतना कुछ खास कर नहीं पाते, और वत्सराज जो रहते हैं इनको मतलब इनसे एक यही पॉइंट बनता है कि जो राष्ट्रकूट राजा ध्रुव रहता है इनको पराजित किया रहता है वत्सराज, क्योंकि इनका आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके नीचे जो था तो वो राष्ट्रकूटों का ही शासनकाल चलता था, और राष्ट्रकूटों से इनका बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा चलता था गुर्जर प्रतिहारों का, और हर एक के शासनकाल में युद्ध वगैरह होते रहते थे, तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा इनपे कॉन्फ्लिक्ट था। तो आप देखेंगे कि जो राष्ट्रकूट थे तो उनसे पराजित ये लोग हुए हैं, कुछ शासक हुए हैं, कुछ को पराजित भी इन्होंने किया है। और फिर इम्पोर्टेंट जो थे तो मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट ही यहाँ पे लिखा गया है, तो हम एग्जाम को मेनली टारगेट कर रहे हैं, तो इस वजह से आप देखेंगे कि आपको वही पॉइंट मैं बताता हूँ ताकि बल्कि ना हो सके नोट्स। लेकिन अगर हम एक एक शासक के बारे में देखेंगे, चाहे एक एक जो वंश है चाहे एक साम्राज्य है उसके बारे में अगर मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊंगा तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन हम अभी नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे, मेनली हमारा टारगेट है कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो यूपीएससी और पीसीए चाहे जो भी मैं आप देखेंगे तो इन सबसे इतना क्वेश्चन आता नहीं, मेनली क्वेश्चन आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर से आता है, इनसे आपको पीसीएस में आएगा, तो ये जो सीरीज चलता है तो पीसीएस और यूपीएससी को लेके चलता है। इस वजह से ये सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो पीसीएस वाले हैं उनके लिए ना छूट सके। तो आप एक बात ये गारंटी के साथ लिख के ले लीजिए कि यूपीएससी में कभी ये सब क्वेश्चन नहीं, उसमें अगर आएंगे भी तो आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से आएंगे, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो शासक वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आता है, और इन सब शासक से तो और नहीं आएगा। तो नागभट जो द्वितीय थे तो ये वत्सराज के पुत्र थे, और लगभग इनका 805 से 833 शासनकाल देखेंगे नागभट द्वितीय का, और ये माना जाता है कि ये
कन्नौज पे भी अधिकार किए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नागभट द्वितीय हैं तो इनको जो राजपूत राजा जो गोविंद तृतीय रहते हैं ये बुंदेलखंड के युद्ध में इनको पराजित कर देते हैं नागभट द्वितीय को। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राजपूत से कितना यहाँ पे इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चलता था राजपूतों से। तो हर एक शासक से युद्ध हुआ है यहाँ पे राजपूतों और गुर्जर पतिहारों। और फिर ये जो सोमनाथ मंदिर है तो इसका ये पुनर्निर्माण भी कराते हैं, क्योंकि 725 में एक अरब जो देखेंगे कि सेनापति जुनैद रहता है वो क्या करता है कि सोमनाथ मंदिर को तोड़वा दिया रहता है। तो बार बार आक्रमण होते हैं और सोमनाथ मंदिर पे तो बहुत बार देखेंगे कि आक्रमण हुआ है तो उसको तोड़वा दिया रहता है। लेकिन जो ये नागभट द्वितीय रहते हैं तो ये 800 लगभग 15 ईस्वी में फिर से इसका पुनर्निर्माण कराते हैं। फिर इसके बाद रामभद्र आते हैं तो वो भी उतने इम्पोर्टेंट शासक है नहीं। और रामभद्र जो रहते हैं इनको जो पाल वंश मैंने आपको पढ़ाया था कि वहाँ पे आप देख रहे थे बंगाल में शासन चलता था पाल वंशों का, वो भी मतलब शक्तिशाली थे। और जो पाल वंश का राजा देवपाल रहता है वो इनको पराजित किया रहता है रामभद्र को, क्योंकि उस टाइम आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों के टाइम तो दो ही मेनली शासक थे। उधर पाल वंश था मैंने आपको बताया था जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, तो इधर गुर्जर प्रतिहार थे उधर पाल वंश थे इधर आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट थे। तो इन लोगों में जो संघर्ष चलता था तो मेनली यही तीन उस टाइम में देखेंगे कि सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो इनमें बहुत ही युद्ध चलते रहता था। तो यही जो रामभद्र रहता है तो इसको जो पाल वंश ये देवपाल रहता है तो वो हराया रहता है इनको। तो कृपया आप लोग सीक्वेंस से देखें तो हर एक चीज़ें उसमें आपको समझ में आएगी। और फिर आता है महरभोज, तो ये जो रहता है महरभोज तो शक्तिशाली एवं सबसे प्रतापी राजा रहता है महरभोज महरभोज। और ये राजधानी जो रहता है ये कन्नौज में ले जाता है, लगभग इनका शासन काल 885 ईस्वी तक चलता है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये कन्नौज में राजधानी बनाई जो मैंने बताया आपको, तो कन्नौज जो था तो ये उत्तर प्रदेश में था तो यहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। अब कन्नौज के लिए आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कन्नौज जो था तो आप देखेंगे कि ट्रेड रूट पे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पे यहाँ पे था। तो अगर आपको इधर से व्यापार करना है तो इधर अगर आप जाते हैं मध्य एशिया में तो इसके लिए जिधर इधर के शासक जितने भी थे तो उनके लिए इम्पोर्टेंट था। दिल्ली से भी पास में था तो दिल्ली वाले को अगर इधर आना था अगर व्यापार वगैरह करने इधर समुद्र से बंगाल के तरफ और बंगाल से फिर आप इधर जितने भी हैं व्यापार वगैरह कर सकते हैं चाहे इधर जा सकते हैं, तो इनके लिए भी कन्नौज यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। तो कन्नौज मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया था उस टाइम में और कन्नौज के लिए बहुत ही युद्ध होते थे। तो ये फिर कन्नौज पे अपना राजधानी बनाते हैं इनको, इस टाइम में इनके अंडर में ये आ जाता है कन्नौज जो रहते हैं। और ये जो महरभोज रहते हैं महरभोज ये विष्णु के भक्त रहते हैं और ये जो रहते हैं ये विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण किए रहते हैं और इनके सिक्कों पे भी आप देखेंगे कि आदि वराह अंकित है और इसी वजह से माना जाता है कि ये उनकी उपाधि भी धारण किए थे आदि वराह। और जो पाल वंश का देवपाल है तो इनको पराजित किया था, जो महरभोज थे इनको पराजित किया था ऐसा पता चलता है अभिलेखों से। और फिर इसके बाद आप देखेंगे महेंद्र पाल प्रथम लगभग 910 ईस्वी तक चलता है। तो बहुत सारे शासक आते हैं यहाँ, लेकिन होता है कि अभी यहाँ पे धीरे धीरे जो गुर्जर प्रतिहार है इनका डिक्लाइन शुरू हो गया था। फिर भोज द्वितीय आते हैं, फिर आप देखेंगे महीपाल का भी शासन काल आता है और लगभग ये 944 ईस्वी तक शासन करते हैं ये 944 ईस्वी। और जो महीपाल रहते हैं तो इन्हीं के आप देखेंगे कि दरबार में संस्कृत के महान जो कवि या नाटककार राजशेखर भी रहते थे और इन्होंने बाल रामायण बाल भारत और काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों की जो है ये रचना किए रहते हैं। तो ये सब कुछ आप है जो थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, उतना याद रखने की जरूरत है नहीं। अब महीपाल के बाद आप देखेंगे कि महेंद्रपाल द्वितीय देवपाल विनयपाल महीपाल बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन कोई भी मतलब यहाँ पे अच्छा शासक नहीं रहता जो कि साम्राज्य को अच्छे से लेके चल सके, मतलब अयोग्य शासक रहते हैं। और इससे आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहार धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाते हैं और आप देखेंगे कि इसके बाद राज्यपाल भी शासन करते हैं और राज्यपाल के शासन में ही आप देखेंगे मोहम्मद जो गजनवी रहता है ये कन्नौज पे आक्रमण करता है और खूब लूटपाट यहाँ पे मचाता है और राज्यपाल जो रहता है इसका मुकाबला कर नहीं पाता है मोहम्मद गजनवी। और ये जो था ये भाग गया था जो राज्यपाल रहता है, तो मतलब यही शासक रहता है और ये भाग गया रहता है और मोहम्मद गोरी का मुकाबला किए कन्नौज। और इससे एक बुंदेलखंड के जो राजा रहते हैं ये चंदेल वंशीय राजा गंडदेव रहते हैं और ये क्या करते हैं कि अपने पुत्र को भेजते हैं फिर इससे मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी का आक्रमण को बिना लड़ाई के ही उसको करने देता है आक्रमण कन्नौज पे। तो फिर ये जो गंडदेव रहते हैं चंदेल वंशीय राजा ये विद्याधर इनके पुत्र रहते हैं गंडदेव के, इसको भेजते हैं और फिर जो ये विद्याधर रहता है ये इनकी आके फिर हत्या कर देता है राज्यपाल की। राज्यपाल इनके शासक रहते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे जब अरबों का आक्रमण पढ़ा रहा था और जो उसके बाद तुर्कों का आक्रमण तो उसमें मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से, तो वो मीडिएबल हिस्ट्री के वीडियो में आप देख सकते हैं। और फिर तिरुप तो इस टाइम मतलब बहुत सारे आक्रमण वगैरह हो रहे थे और आप देखेंगे कि इस टाइम में
ये सब जो वंश थे तो ये टूट के अपना वंश स्थापित कर लिए थे, जो राजपूत राजवंश थे। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत राजवंश आ गए थे और यहाँ पे अब जो तुर्कों का आक्रमण था ये चरम सीमा पे पहुंच गया था और तुर्क बहुत ज्यादा आक्रमण कर रहे थे, लूटपाट मचा रहे थे और इनका जो था कि अयोग्य उत्तराधिकारी की वजह से ये पूरी तरह से समाप्ति के कगार पे गुर्जर प्रतिहार वंश चलाया था। और फिर यशपाल आते हैं जो अंतिम शासक रहते हैं और 1036 ईस्वी में ये अंतिम शासक रहते हैं, यशपाल को माना जाता है और ये अंतिम राजा है। तो ये मैंने आपको बताई और वही अब मैंने आपको बता ही दिया कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बहुत सारे राजपूत राजवंश आ गए थे। तो इनकी जो हत्या रहता है तो ये आप देखेंगे कि गहरवाल वंश का चंद्रदेव थे, इनके द्वारा ये हत्या कर दी गई थी। और कन्नौज पे आप देखेंगे कि नए राजवंश मतलब यहाँ पे ये स्थापित कर देते हैं गहरवाल वंश की, चंद्रदेव जो रहते हैं। तो इसके बाद हम गहरवाल को ही देखेंगे, जो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि चंद्रदेव जो रहते हैं इनकी हत्या कर देते हैं, जो ये यशपाल रहते हैं अंतिम शासक इसकी हत्या कर देते हैं और फिर यहाँ पे चंद्रदेव जो रहते हैं इसकी स्थापना कर देते हैं गहरवाल वंश की, क्योंकि बहुत ज्यादा इस टाइम ये कमजोर हो गया था जो गुर्जर प्रतिहार वंश था। और बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे कि राजपूत वंश ये टूट के आ गए थे, तो ये गुर्जर प्रतिहार से ही माना जाता है ये सब टूट के, जो छोटे छोटे जो वंश निकलते हैं राजपूत राजवंश ये गुर्जर प्रतिहारों से ही टूट के निकलते। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि राजशेखर जो है ये प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे, तो ये आप एक याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में आ चुके हैं। तो इतने मतलब इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट है जो मैंने आपको बता दिया। तो हमने राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत को देख लिया और गुर्जर प्रतिहार जो वंश थे इनको देख लिया, और यही अब टूटता है तो फिर ये जो गहरवार चाहे राठौर वंश भी राजवंश भी इसको बोला जाता है, फिर उसके बाद इसका हम शासनकाल देखेंगे, चौहान या फिर चौहान वंश बोला जाता है उसके शासनकाल को भी देखेंगे, और परमार वंश जो रहता है उसके शासनकाल को भी हम देखेंगे, और फिर चंदेल वंश के भी बारे में हम जानेंगे। तो जितने राजपूत राज रहते हैं उनके बारे में हम देख लेंगे एक एक जो इम्पोर्टेंट है, और सोलंकी वंश है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो कलचूरी या चेदी राजवंश हर मतलब हर एक जो भी राजपूत राजवंश है उसको मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, ये चीजें हम देखेंगे। तो लगभग दो वीडियो और आएंगे और राजपूत हमारा जो है ये राजवंश कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद एक हम इंटीग्रेशन वाला देखेंगे, उस टाइम पूरा होलिस्टिक पिक्चर देखेंगे प्राचीन भारत में हमारी व्यवस्था कैसी थी। तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं। तो ये हमारे ये जो टॉपिक है आज का यहीं पे कंप्लीट होता है, गुर्जर प्रतिहारों को देख लिया हमने और ये गुर्जर प्रतिहार ही अब टूटेंगे तो इतने सारे राजवंश आएंगे, तो ये आप अगले वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से मैप में बताऊंगा। ओके गाइस थैंक यू, और आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं और रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, और बाकी सब जो चीजें चल रही है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मेनली फोकस एग्जाम पे है इसलिए मैं ज्यादातर डिटेल में नहीं जाता हूँ, नहीं तो जब मैं आपको इन राजवंशों के बारे में बताऊंगा तो एक एक राजा के बारे में जो उनसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी मेनली फोकस है कि आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन हर एक बनना चाहिए और ज्यादा बल्कि चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो उतना रिविजन करना भी मुश्किल हो जाता है, इस वजह से छोटे छोटे टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीजें वही लिखी जाती है। ओके गाइस।